तो भाई हो गया काम, चालान कट गया। मेरी राइडिंग जैकेट और पैंट हद से ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि जब मैं मनाली की ट्रिप से आया था ना, तो मैं उसके बाद उसी दिन ना रात को घर गया था। और भाई वहाँ पर जाकर ना मैंने गलती ये करी कि कपड़े बदल लिए और इस जैकेट को रख दिया अपनी सेंट्रो में, और ये जैकेट और पैंट सेंट्रो में कम से कम 10-15 दिन पड़ी रही। अब आपको पता ही है इंडिया में कितनी मिट्टी विट्टी उड़ती है, तो सारी भाई बुरी हालत हो रखी है, सड़ी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको फटाफट से ड्राई क्लीन के लिए दे आता हूँ। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 2 अप्रैल 2021। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। ड्राई क्लीन करवाने के बाद इनके कवर में रख दूंगा संभाल के, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं अगली ट्रिप कब मारूंगा। ट्रिप का तो आइडिया 1-1.5 महीने बाद मारूंगा, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैं गाड़ी से ही जाऊँगा, बाइक से नहीं जाऊँगा। ड्राई क्लीन के लिए देने के लिए ना मैं अभी जा ही रहा था, इतने में याद आया कि सच आंटी आने वाली है। तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट की और बात है, आंटी आ जाएगी, काम वाम पूरा करवा के फिर चला जाऊंगा आधे घंटे में। तब तक के लिए जूस एंजॉय कर लेते हैं। अभी थोड़ा जल्दी कर देना, जाने रखो। वो अंदर चल बुनो, आ जाओ, चलो अंदर चलो। जब देखो बाहर भग जाता है। बहुत दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अनमोल भाई आपकी हायाबूसा कब आ रही है। तो यार देखो सच बताऊँ तो मैं पागल हुआ पड़ा हूँ यूट्यूब पे। मैं रिसर्च करता रहता हूँ गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह की भाई कब आएगी कब आएगी। असल में जो इनका सुजुकी का यूरोप वाला प्राइस है वो रिवील कर दिया गया है, अराउंड 16,00,000+ की है। तो इंडिया में अंदाज़ा लगाओ, अगर ऑफिशियली तो अभी प्राइस आए नहीं है, कुछ दिन में हो सकता है आ भी जाए, तो 18 से 20 लाख रुपए की ये ऑन रोड पड़ेगी। उसके बाद भाई एक्सेसरीज इसकी बहुत महंगी है, तो मुझे एग्जॉस्ट बदलवाना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे थोड़ी बहुत एक्सेसरीज लेनी है। तो अगर 18 लाख की इंडिया में लॉन्च हुई ऑन रोड, तो एक्सेसरीज वगैरह लगवा के सब कुछ 20 की पड़ेगी, और अगर 20 की लॉन्च हुई तो सब कुछ लगवा के 22 लाख की पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया था मम्मी ने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, बाकी मैं अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में से निकालूंगा। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है अप्रैल एंड तक शायद से बुकिंग लेना शुरू कर देंगे डीलर्स, और जून में हमें शायद से डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब इंडिया में वापस से लॉकडाउन का सीन ना हो जाए, क्योंकि अगर वो हुआ तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते कब आएगी कब नहीं। सब कुछ स्मूथ रहा तो जून तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है अभी इंडिया के उसके, तो इसलिए मेरी बातों पे ज़्यादा बिलीव मत करना, जो है बता रहा हूँ बस। जब ऑफिशियल कुछ आएगा तो हम भी जाएंगे बुकिंग करवाने, तब आपको व्लॉग बना के दिखाई देंगे। भाई 1 मिलियन मेरे हुए, मैंने करे तो तुम दोगे ना पार्टी? तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए? अभी नहीं हुए, 80,000 रह रहे अभी तो, 80,000। तो अभी मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है, जो राइडिंग गियर्स है ना मेरे, उसके अंदर प्रोटेक्टर लगे होते हैं। तो अब ड्राई क्लीनिंग मैं पहली बार करवा रहा हूँ, तो वो लगाए हुए ही मैं मतलब वो लगे लगे ही दे दूँ गियर्स उनको, या फिर वो निकालने पड़ेंगे, वो वहीं जाके पता चलेगा। अगर मेरे को पहले से पता होता कि निकाल के ले जाने, तो मैं घर से ही निकाल लेता, पर मैंने सोचा फिर क्या पता बिना निकाले भी हो जाए ड्राई क्लीन, क्यों मेहनत करनी फालतू में, निकालो फिर ड्राई क्लीन होने के बाद लगाओ। तो देखते हैं, रिस्क ले लिया है, वहाँ जाके पता चलेगा। हेलो पार्थ, देख तू तू हमारे घर से गया तो मैं तेरे से ही मिलने आ गया यहाँ पे है। पर आज तो क्रेटा में, ओए होए की हाल चाल। मास्क ऊपर करो, मास्क कहा, ये तो कर रहा हूँ, मास्क लगाओ पहले ऊपर, बाहर से आ रहे ना बेटे बेटे, मौज कर दी। असल में मेरी बहन को पता है ड्राई क्लीन की एक दुकान, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अब ये बताइए, ये तो मैडम तैयार हो के आई है पूरी, कहाँ जाना है भाई, कहाँ जा रहे हो, घूमने उमने नहीं जा रहे हम? बेटा सज धज के कहाँ जा रहे हो? सज धज के नहीं, वो जीजू कह रहे मंगला कुल्फी वाले के वहाँ करता कोई जानकार है मेरा। अच्छा ठीक है, ये जीजू को यहाँ से ले ले दुकान से। तो यहाँ पर मैं देने आया था, अब भैया कह रहे हैं कि ये सारे के सारे गार्ड्स निकालने पड़ेंगे। ये वैसे प्रोसेस क्या होता है ड्राई क्लीनिंग का, किस चीज में धुलता है? ये केमिकल होते हैं, ये अलग अलग तरह की केमिकल नहीं, जाती मशीन में ही है, जाती मशीन में अच्छा। पोल वगैरह में होते हैं, ड्राई क्लीन वगैरह ये। अच्छा हाँ, तो फिर तो ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। ओके, टाइम कितना लगेगा पूरा? तकरीबन 5-6 दिन मान के चलिए। ठीक है, बाकी एड्रेस बता दो अगर किसी को आना हो। न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा रोड, मंगल कुल्फी के नजदीक। तो ये महाराज हमेशा की तरह रो रो के फिर से वापस मेरे साथ ही चल रहा है घर, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ले चलता हूँ, रात को वापस छोड़ जाऊंगा इसको। मेरे को पता है ना इसके घर जब आ जाओ इसने पीछा थोड़ी छोड़ना है। देख कैसे रोने जैसी जगह लोग जब उतारने लगा, और अब देखो दांत फाड़ रहे हैं।
मैंने पैसे भी दिए कि चीज खा लियो, नहीं क्रेटा में घूमना है, नानी घर जाना है, चलो चलो ट्यूशन तो पढ़ी आया था, वैसे भी ये फ्री था ना, ट्यूशन पढ़े आया ना, चलो फिर ट्यूशन पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हो गया काम, चलान कट गया, वही दिक्कत हुई रॉन्ग साइड पे जरा सा कट था तो मैंने वो ले लिया, क्योंकि आपको मैंने बात बहुत बार बताई है गुड़गांव के आधे ज्यादा रोड खोद रखे हैं, तो अब रास्ते ना बहुत दूर दूर से जाने वाले हो गए हैं, तो पहले इतनी दूर से जाना पड़ता है, तो मुझे यहाँ से एक छोटा सा कट मिला, मैंने कहा चलो यार यहीं पे यहीं से निकाल लेते हैं, और आगे खड़े थे पुलिस वाले, क्या यार किस्मत ही फूटी हुई है फालतू की, कैश वैसे ही नहीं पड़ा था तो उन्होंने पेटीएम करवाया, वो भी किसी दुकानदार के, उसमें मोबाइल फोन वाले के, अब उससे फिर उन्होंने पेटीएम लेके कैश लिया, एक तो कैश रखना पड़ेगा आज से। हाँ यार ये कब होएगा पता नहीं, रोड खुदने का काम सही, वरना तो अपने ऐसी चलान पे चलान करते रहेंगे रोज रोज। पार्थ तेरे को पकड़ने के लिए रोका था, वो कह रहे थे पार्थ पढ़ाई नहीं करता ना इसलिए, करे बोल छोड़ दू तेरे को पुलिस वालों पे पक्का। वैसे एक चीज मैंने नोटिस करी, मेरे क्रेटा में दोनों बार चलान कटे हैं, पार्थ साइड में होता है, एक जयपुर से आते वक्त तब भी पार्थ था और आज भी पार्थ। यार तू मत बैठा कर यार मेरी क्रेटा में प्लीज यार, नहीं यार वैसे गलती मेरी है, मैंने रॉन्ग साइड पे लेकर गया था, मेरी ना किस्मत खराब है, असल में उस वाले चौक से मैं ना इसलिए गया क्योंकि मुझे स्टोर जाना था, तो इसलिए मैंने वो रास्ता लिया, अगर मान लो मेरे को वहाँ नहीं जाना होता तो चलान भी नहीं कटता। और पता हुआ क्या, जब मैं स्टोर पहुँचा ना, गाड़ी से उतरने लगा, देखा स्टोर की चाबी नहीं लाया, मैंने कहा लो भैया फालतू में चलान कटवा लिया, स्टोर जाना भी नहीं हुआ, अच्छा वाला घर पहले ही कट पे था, मतलब पहले ही कट से घर निकल जाता सीधा, पर स्टोर जाने के चक्कर में हो गया काम। जब जब तू बैठा है जब जब चलान हुआ मेरा पैसे दिला। वैसे मैं कल ही बात कर रहा था चलान की पिछले व्लॉग में कि रोको 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 चलान होगा, और आज भाई साहब सही में रुक गया और सही में चलान हो गया, रॉन्ग साइड का हद हो गई। क्या पी लो? पानी, टमाटर रखने। हाँ टमाटर दे दिला, दबा हुआ तो नहीं है। हाँ थैंक यू, वेलकम। वो ले गया क्या खाना पार्थ? ले गया। चलो जी ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा सी यू। फटाफट से पार्थ को घर छोड़ देता हूँ, पूरा दिन चढ़ता रहता है, पेट नहीं भरता क्या तेरा है? खाता रहेगा, जब देखो खाता रहेगा। और सीट बेल्ट कौन लगाएगा? मास्क कौन लगाएगा? इडियट फूल, सीट बेल्ट लगा जल्दी। इसको तो आज मैं छोड़ के आऊंगा, देखियो तेरे को तो बोर्डिंग स्कूल में डालेंगे बेटा, तूने वैसे तो पढ़ना लिखना है नहीं ना, तू घर पे पढ़ता है ना कुछ करता है ना, बोर्डिंग स्कूल डाल दे तेरे को, नानी घर रहना है। नानी घर रहना है, वहाँ पे सारी ऐश मिलती है बेचारे को, जो मांगता है वो मिल जाता है, और क्या चाहिए जिंदगी में। चलो बाय। चीजें इधर ही खा रहे, चलान कट गया ना हमारे, वो पैसे पुलिस वालों ने वहीं ले लिए रास्ते में जाते वक्त, वो रॉन्ग साइड में लेनी पड़ी थी। चलो जी बाय बाय। बाय मामा जी। हद से ज्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी थकान चढ़ रही है आज। हाँ भाई नटखट लड़के, वो नटखट आ जा मेरा बच्चा, गिली गिली गच्चू बिजी बुज बच्चू, तुबड़ 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 तुबड़। थकान इतनी थी कि मैं नीचे गाड़ी में ही 10-15 मिनट बैठा रहा बंद करने के बाद भी, फिर बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके ऊपर आया, सो जाऊँगा जल्दी। लो जी लो भाई ये अपना खाना खाइए महाराज, ले लो अपना, चलो आ जा। चलो भाई फिर ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को, जल्दी से जल्दी हायाबूसा की कोई न्यूज़ आ जाए या फिर बुकिंग डेट ही बता दी जाए कि इस दिन बुकिंग हो रही है, इस दिन डिलीवरी मिलने वाली है, तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि मैंने तो YouTube गूगल सब छान मारा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी रोज़ के रोज़ देखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो नया आ ही जाए। इंडिया में कुछ नहीं आता यूट्यूब पर, बट बाहर दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी वीडियोज़ आ रही है हायाबूसा के ऊपर, कभी कोई चला के दिखा रहा है, कभी कोई अच्छे से एक एक एंगल दिखा रहा है उसके, इंडिया में कोई नामो निशान है नहीं, पता नहीं इंडिया कब आएगा इन चीज़ों में आगे। प्ले स्टेशन भी लेट होती है यहाँ पर, ठीक है अब हायाबूसा का भी कुछ सीन नहीं है, ठीक है बस जो भी होता है लेंगे ज़रूर, इतना कंफर्म है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। हंसी आ रही है वैसे मेरे को खुद पे, लास्ट व्लॉग में कह रहा था कि चलान काटो मेरा, वो चलान नहीं रोको मुझे, रोको रोको पुलिस वालों को, और इस बार तो भाई मुझे लग रहा है उन्होंने व्लॉग देख के कहा आ जा बेटा आ जा तेरा चलान ही काटते हैं। ठीक है जी बाय बाय। You're so much deeper when you could paint charades. Yeah. You act so cool but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. You keep running away. Oh, to yourself, to there, just try.